कोरोना की संख्या लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रही है, जिसको देखते हुए उद्धव सरकार लगातार कोरोना को नियंत्रण करने में सक्रिय है। बावजूद इसके कल 13,000 से अधिक मामले सामने आए। 2020 और 2021 की शुरुआत में त्योहारों की भी बलि ले ली गई। 11 मार्च 2021 को हिंदुओं का महापर्व महाशिवरात्रि भी कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया। 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व आया, लेकिन कोरोना के चलते मंदिरों में जाने की पाबंदी लगा दी गई। यह लगातार दूसरा साल है जब लोगों को अपनी आस्थाओं को सीमित करते हुए अपने ही घरों में पूजा पाठ करनी पड़ रही है। इस पर जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों के मन का दर्द देखने और सुनने को मिला। लोगों का कहना है कि अन्य सभी प्रक्रियाएं सामान्य तौर पर चल रही है, तो फिर धर्मस्थल ही बार बार प्रतिबंधित क्यों किया जा रहा है? आइए जानते हैं इस विषय पर लोगों ने क्या कहा। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, ट्रेन में पब्लिक भर के जा रही है, बसों में पब्लिक भर के जा रही हैं। क्या आस्था मंदिरों के लिए जो है कोरोना आया है? बसों के लिए कोरोना नहीं है, ट्रेनों के लिए कोरोना नहीं है। पर कोरोना तो बसों में तो सैनिटाइजर ये सब की व्यवस्था करके ये लोग क्लीननेस करते हैं, पर आप यहाँ पे क्या सुविधा? यहाँ पर भी हम लोग जो है सैनिटाइजर का कार्य करते हैं। हमारा तो यही है कि हमको कोरोना से नहीं डरना है, हम तो अपने भगवान का पूजा करना है। पर कोरोना तो बहुत ताज़ा महाराष्ट्र में बहुत फैल रहा है फिर से। हमको डर नहीं लगता है कोरोना से। आपको कोरोना से डर नहीं है? नहीं। पर आपको आस्था से डर है? हमको भगवान से डर है, किसी से नहीं। तो अभी ये जो नमस्कार मैडम, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और यहाँ पे आप लोग मंदिरों में नागेश्वर मंदिर में एकत्रित हुए हैं, पर कल सरकार का गाइडलाइन आया था कि आपको मंदिरों में जाना नहीं, अपने घर से ही पर्वों को मनाना है, तो क्या कहना चाहोगे आप सरकार को और क्या है आप यहाँ तक आ चुके हैं? हम लोग तो मंदिर में ही पूजा करते हैं और घर पे भी करते हैं, हमारा जो पालन है हम करते हैं, मगर हम कोरोना को लेकर मानते हैं कि कोरोना है, मगर उसके लिए हम पालन करते हुए अपना धर्म को क्यों छोड़े, अपना धर्म को भी करते हैं और जो नियम का पालन करना है वो भी करते हैं। तो नियम का तो पालन करते, पर कोरोना अगर आपको हो गया इसके बीच में तो फिर आप क्या करोगे? हमारे भगवान पर भरोसा है, हमारे भगवान के लिए साथ, हम भगवान के साथ है, भगवान हमारे साथ है, हम उनके भरोसे पर हम अपना जीवन बिता रहे हैं। और ये सरकार तो जो नियम लगाते हैं, जहाँ भीड़ भाड़ रहता है वहाँ पर कोरोना नहीं होता है, जहाँ पूजा पाठ करते हैं धार्मिक करते हैं वहाँ पर कोरोना होता है, बच्चे लोग का स्कूल में कोरोना होता है, अगर वोट पड़ना रहेगा वोट देने जाएंगे तो नहीं कोरोना होगा। तब वोट देने जाओगे तो अभी वोटिंग कहाँ पर हो रही है आप बता रहे हो? अभी जैसे जहाँ जहाँ हुआ, यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, अभी होने वाला है तो कोरोना नहीं आएगा। भाजी मार्केट जाएंगे तो कोरोना नहीं आएगा, और बच्चे के भविष्य जो बिगड़ रहा है, एक साल से पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसमें कोरोना हो रहा है, पढ़ने पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो उसमें कोरोना हो रहा है, इसलिए हम लोग तो मास्क लगाते हैं, नियम का भी पालन करते हैं, अपने भगवान को आस्था रखे हैं, भगवान के भरोसे हैं, हमको कोरोना से कोई डर नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? हमें भी यही कहना है, हमें सरकार से यही है, सरकार जो कर रही है नियम लगाने के लिए वो हम कर रहे हैं, हम मास्क लगा के चलते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ सरकार हमें बचाएगी? हम मार्केट में जाते तो भी भीड़ भाड़ मिलती है, और हमें जब भाव भक्ति हम करते हैं कहीं दो चार जन गुरु बहना गुरु भाई और हमारे पुजारी बाबा बैठते हैं तो उसमें हमें आपत्ति मिलती है, बोलते हैं ऐसा पूजा मत करो, ऐसा भीड़ मत मचाओ, तो ये हमें नहीं चलेगा, हमें ये चाहिए भाव भक्ति भी करेंगे, हम 4-10 जन बैठेंगे जैसे मास्क लगाने वैसे सरकार की हम पालन करेंगे, लेकिन पालन क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है पूछिए सरकार से, कहाँ कहाँ बचाएगी सरकार? मार्केट में, बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, कहीं भी जाओ वहाँ गर्दी ही गर्दी रहती है, तो कोरोना कहाँ कहाँ बचेगा बताइए आप। सर आप क्या कहना चाहोगे? किस बारे में? जो कोरोना आज आपने यहाँ पे महाशिवरात्रि का पर्व है, लोग एकत्रित हुए, पर लोगों का आक्रोश है कि सरकार बसों में ट्रेनों में भीड़ भाड़ चलता है उन्हें, पर धार्मिक स्थलों पे उन्हें तकलीफें होती है। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट को अपना जो गवर्नमेंट का जो सर्विस है, जैसे रेलवे गवर्नमेंट का है, महानगर पालिका का जो बस चल रही है वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का जो सर्विस है, जैसे रेलवे गवर्नमेंट का है, महानगर पालिका का जो बस चल रही है वो गवर्नमेंट का है, ST की बस है वो गवर्नमेंट का है, वहाँ उनको फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, ठीक है। जहाँ पब्लिक का, जहाँ धर्म से जहाँ पब्लिक जुड़ी हुई है, जहाँ पब्लिक लोगों की आस्था जुड़ी है, जैसे मंदिर हुआ जो भी हुआ, वहाँ गवर्नमेंट को कोरोना नज़र आता है,
स्कूल हुआ वहाँ कोरोना नजर आता, ये रेलवे में इतनी गर्दी होके चल रही है ट्रेनें, वहाँ पे कोरोना नज़र नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को। यहाँ पे तो हम सरकार की गाइडलाइन को पालन करते हुए भी अपने पर्व को मनाने की अगर कोशिश करते हैं तो अगर 10 आदमी से ज़्यादा इकट्ठा हुए तो सरकार को कोरोना नज़र आने लगता है। ये उचित है? अब सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोरोना वाकई में है, ठीक है, तो ट्रेन में क्यों कोरोना, ट्रेन को क्यों उतना गर्दी से ठूसा ठूसा कर ट्रेन जा रही है, बस क्यों जा रही है, तो वहाँ पे भी वो नियम लगा दीजिए, उतने ही आदमी लीजिए जो लिमिटेड हैं।